मैं सर जैनुल हसन आज के लेक्चर नंबर 2 में आपके साथ नए टॉपिक के साथ और मैं आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज हैव एंड हैड हैज और हैव डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं एंड हैड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है और वो पास्ट टेंस से बिलोंग करता है इन तीनों का मतलब है रखता यानी है जो है रखता है या रखती है या रखते हैं के लिए इस्तेमाल होता है और ये ओनरिटी यानी मिल्कियत को जाहिर करते हैं नमाया करते हैं हैड भी मिल्कियत को नमाया करता है और उसका मतलब है रखता था रखती थी या रखते थे तो अब हम आपको बताएंगे कि है जो है हमने कहाँ इस्तेमाल करना है तो हैज आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है वी के साथ हैव का इस्तेमाल होता है यू के साथ हैव का इस्तेमाल होता है ही के साथ हैज का इस्तेमाल होता है शी के साथ हैज का इस्तेमाल होता है दे के साथ प्लूरल हैव का इस्तेमाल होता है इट के साथ हैज का इस्तेमाल होता है डियर व्यूअर्स अब हम आपको ये बताएंगे कि हैव और हैज को कैसे हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं तो एक आई जो है आई है यानी मैं कोई स्टूडेंट भी हो सकता है फर्स्ट को एक स्टूडेंट है तो वो किन किन चीजों उसके पास क्या क्या चीजें हैं वो किन चीजों की मिल्कियत रखता है तो डियर स्टूडेंट्स हैव से लाइक दिस के वो कहेगा आई हैव पेंसिल्स I have a bag. I have books. I have a bottle. I have shoes or a razor. I have a razor, I have a bottle, I have books, I have a bag, I have pens. तो इस तरीके से हम I को explain कर सकते हैं. For example, format के लिए मैं एक sentence आपको बना कर दे देता हूँ यहाँ पर. I have a ball, a pen. Sorry. अब I का इस्तेमाल के बाद we have. हम बहुत सारे. We come to the हम. इससे मैं आपको जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रोनाउंस को मैं वाजह कर रहा हूँ उनकी मीनिंग दोबारा वाजह हो जाए ताकि आपको अच्छे तरीके से मीनिंग भी समझ आ जाए और हैज हैव का इस्तेमाल भी समझ आ जाए तो वी है अब वी हैव जो है इसको आप देखें हम सब बहुत सारे लोग फर्स्ट करो बहुत से लड़के खड़े हैं तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहेंगे वी हैव We have a bat. We have bats. We have balls. We have wickets. We have uniforms. इसी तरह एज इट इज हम जाएंगे यू जब यू की बात करते हैं यू का मीनिंग है तुम तो यू हैव फर्स्ट करो मैं एक लड़का खड़ा है उसमें कहता हूं यू हैव फॉर एग्जांपल उसकी कोई कंपनी नुमाया करते थे वो किस चीज से बिलोंग करता है उसके पास क्या क्या है तो वो एक चौकीदार है एक वॉचमैन है तो अपनी मीनिंग यू हैव यूनिफॉर्म You have a gun. You have security equipment. इसी तरह हम हैज के साथ ही हैज वो एक लड़का है फर्स्ट करें मैं उसे कहता हूँ ही हैज तुम लड़का यानी ही वाय के लिए इस्तेमाल होता है ऑडियंस तो ही के साथ हम
बताएंगे कि he has फर्ज करें वो ही एक स्टूडेंट है या एक क्रिकेटर है या एक प्लेयर है, तो हम उसके बारे में कह सकते हैं he has a bat, he has a ball, like this. इसी तरह हम इसके सेंटेंस बना सकते हैं. She has, वो लड़की तो वो लड़की फर्ज करें एक नर्स है, तो हम बताएंगे या कोई भी उसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी ड्यूटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ड्यूटी नहीं तो आप उसके टीचर है तो लिखेंगे she has pens, she has a purse, she has a file, etc. इसी तरह हम नुमाया कर सकते हैं they have. अब have जो है रखते हैं, वो क्या क्या रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक फैमिली के बारे में बात करते हैं आपसे कि एक फैमिली ट्रिप पर गई हुई है, तो एक फैमिली जो ट्रिप पर गई है उसके पास क्या क्या हो सकता है, तो हम उनके बारे में बताते हैं they have lunch boxes, they have ball and bat, and इसके बाद देखिए कोई फैमिली है तो मीनिंग गैदरिंग भी है, तो उसके लिए आप दे इस्तेमाल करते हैं. बहुत से लोग जब इकट्ठे होते हैं उनके लिए दे इस्तेमाल होता है. it has, इसके लिए हम आप एक बर्ड का नाम ले लेते हैं या किसी जानवर का ले लें, फॉर एग्जाम्पल कैट का ले लेते हैं. इट हैज टू ears, फिर हम लिख सकते हैं it has four legs, फिर हम कैट का और क्या है, इट हैज शार्प टीथ. तो इसी तरह हम ये यूज था आई वी यू ही शी दे इट के साथ एज और हैव का. इस तरह हम ऐड करते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट एक्सेसिबिलिटी बिलोंग करता है, और इसके साथ भी हम ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं. ये तमाम प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है, ये तमाम प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है. है जो है हम तमाम प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे. he, she, it, name, singular के साथ, I, we, you, they, plural के साथ, ये इन सब के साथ हम इसका यूज करते हैं. had, had का मीन भी वही है जो has और have का है, लेकिन past tense में रखी है. like this, I had a ball. We had wickets. You had a beautiful bag. He had good mind. She had long hairs. They had tickets. अब tickets कोई भी हो सकती है, बस की ट्रेन की. It had sharp teeth. तो dear viewers, सबसे पहली बात ये हैड का इस्तेमाल हम पास्ट के लिए करते हैं. ये मैं आपको बार बार इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि हैज हैव और है यानी सेम मायने रखते हैं, लेकिन इनके यानी टेंसेस की वजह से, चेंजिंग ऑफ टेंस की वजह से ये दोनों बहुत डिफरेंट है.
तो ये हैज और हैड का इस्तेमाल था जो मैंने आपको बताया। मैं एक चीज और आपसे शेयर करता चलूं कि जब भी कोई आप चीज कहते हैं मेरे पास बॉल है, मेरे पास गेंद है, या अदर चीज आप कहते हैं कि मैं इतनी दौलत रखता हूँ, मैं इतने पैसे रखता हूँ, मैं अच्छी गाड़ी रखता हूँ, जब कभी भी आप नॉरिटी ऑनरिटी मल्कियत, जब कभी भी आप मल्कियत को वाजिया करेंगे तो उसमें हैज है और हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो कभी भी आपको हैज है सिर्फ रिलेटिव टेंसेस आ जाते हैं, जुमले आ जाते हैं बनाना, तो आप अच्छे तरीके से इसी तरीके से बनाएंगे और हैड का यूज और हैज है का यूज किससे ऐसे किस करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मुख्तलिफ टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाजमन वॉच करें ताकि आपको इससे फायदा हो। बाय बाय।